और वो भी अपनी पार्टी से ही है। अपने देश में उदाहरण देकर बताऊं आपको, अपन कोई भर्ती यानी सरकारी भर्ती में कोई जाते हैं ना, भर्ती होने के लिए दौड़ के लिए अपन को चांस मिलते हैं 3 बार, 1, 2, 3, तो अपन ने फर्स्ट में एमएलए बनाया बीजेपी से और भाग गए, और उसके बाद में समझौता करके एमपी बनाया, भाग गए, और उसके बाद में अपने भाई को एमएलए बनाए, अपन को छोड़ गए, भाग गए। यानी कोई ध्यान नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सर की, इस जनता का कोई ध्यान नहीं दिया। कोई भी केंद्र की योजना होती है और काम आता है केंद्र से, चाहे सड़क का हो और कोई बड़ी बड़ी योजना है, तो वो क्या है एड निकाल देते हैं अखबार के अंदर में, मेरे प्रयासों से किया गया, बल्कि उनका कोई प्रयास नहीं है जियो। और यहाँ जैसे राज्य सरकार की छोटी मोटी योजना, अभी वैसे कांग्रेस का राज है तो कांग्रेस का राज ही करवाएगा, कोई दूसरा तो करवाएगा नहीं, कांग्रेस का राज काम होता है तो भी बोला करवाता हूँ। हमारा सामना हुआ था नागौर रेलवे स्टेशन का, जो 17 करोड़ का वापस न्यू मोदी जी ने रखा था, 25 करोड़ का सॉरी, तो उसमें क्या हुआ, हम आगे के तरफ बैठे थे और मोदी जी के नारे लग रहे थे, और वहां पर दोनों भाई थे, और मोदी मोदी के नारे लगे तो एमएलए साहब उठ के मेरे पास आए, बोले आपके मोदी जी काम नहीं आएंगे, हम आएंगे। मैं क्यों भैया, हम आपके 3 बार काम आ चुके, आप हमारे 1 बार भी काम नहीं आए। मोदी जी तो भारत के क्या पूरे विश्व में काम आने वाला है, आप क्या बात कर रहे हो। तो मोदी जी मतलब भारत के नहीं, पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी के नाम से। आपका ठीक है, हमने 3 बार सहयोग कर दिया, 1, 2, 3 अभी फ्री हो, आप हमारे लायक नहीं हो और आप जनता के भी लायक नहीं हो। हमारे फ्यूचर के अंदर अभी देखो सर, अपराध चरम पर है। एमडी इसमें अब पता नहीं, मैं नशों कर देगा पाके साथ ही चले आ, और नशे में अभी तक तो अत्याचार, महिला पे अत्याचार, दिनों दिन मर्डर की ऐसी बढ़ रही है। बहुत सिंह जी बैठे, नाथु सिंह जी ये बुजुर्ग है, मैंने इनके सानिधि में 25 साल से काम किया है, सरपंच साहब मदन जी ये सब पुराने बैठे हैं, हमने इनके सानिधि में काम किया और हमारे ये परना फोर्ट है। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी फ्यूचर के अंदर परिवर्तन की लेर चल पड़ी है, और आप समीकरण मत बनाना, ये भारी है ये हल्का है, प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कमल का फूल सबसे भारी है, अगली बार कोई फूल नहीं करना, कमल का फूल सबसे भारी है, ये देख लेना, कमल का फूल जो भी लेके आए हमें उसको जिताना है, और विशेष ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।